शहडोल के इंदिरा चौक से बस स्टैंड रोड जाने वाली रोड पर स्थित होटल अनमोल पैलेस में महिला पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 6 युवक युवतियों के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर विगत शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ युवक युवती होटल में रुके हुए हैं और देह व्यापार संचालित हो रहा है, जिसके बाद विशेष टीम ने दबिश दी। इस होटल के अलग अलग 3 कमरों में से लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस मामले में शुभम विश्वकर्मा निवासी सीधी, मोहम्मद साहिद खान निवासी उमरिया और आकाश कुशवाहा निवासी ग्वालियर और 3 महिला साथियों के साथ हिरासत में लिया है। बताया गया है कि पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा होटल मालिक सुरजीत सिंह, मैनेजर सूरज सोनी निवासी उमरिया, सुशील यादव निवासी सीधी और संतोष यादव निवासी सोहागपुर को भी हिरासत में लिया है। एडिशनल SP मुकेश वैश्य ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। महिला थाना कार्रवाई कर रहा है। पुलिस जांच में पाया गया कि होटल में रजिस्टर में सभी लोगों की प्रविष्टियां नहीं की गई थी, उनके नाम को छुपाया गया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, नगद राशि और अनैतिक देह व्यापार में उपयोग की गई आपत्तिजनक वस्तु जब्त की गई। इस कार्रवाई में DSP अंकिता सूर्या, महिला थाना TI रमा आर्मो, सुबेदार राजमती परस्ते, उप निरीक्षक आराधना तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अमित दीक्षित, आर नफीसा, आरक्षक नफीसा बेगम, आरक्षक अभिषेक दीक्षित, नितिन ठाकुर और संदीप मार्को की भूमिका रही। हाँ। पीछे नहीं ठीक है कहाँ ले जाओ सर। एक होटल में आज कार्रवाई हुई है देह व्यापार से संबंधित, क्या पूरा मामला है, क्या खबर? पुलिस अधीक्षक को खबर मिली थी कि एक होटल है बुढ़ार चौक पर, होटल अनमोल पहले, उसमें देह व्यापार संचालित हो रहा है। काफी दिनों से खबर थी इस बात की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मेरे मार्गदर्शन में हमारी DSP महिला अपराध अंकिता सूर्या और उनकी टीम ने वहाँ पर दबिश दी है और वहाँ पर 3 जोड़े रंगे हाथ पकड़े हैं और वहाँ के होटल मैनेजर और मालिक को भी इसमें लिप्त पाए गए हैं। उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई महिला अपराध थाने में की जा रही है। सर, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी के मामले को सामने आए हैं, क्या पूरा मामला? जी हाँ, जब मौके पर पुलिस की कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पत्रकार बंधु भी पहुँच गए थे और उन पत्रकारों के साथ में भी होटल मैनेजर के परिवार के सदस्यों ने बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, धमकी दी है, इस पर भी उसमें अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, उसकी भी जाँच पुलिस कर। सर, होटल में रुकने के दौरान जो है पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पूरे डॉक्यूमेंट जो है पुलिस प्रशासन को भेजा जाता है, किसी भी होटल की बात हो, उसके बावजूद भी सर ऐसी घटना जो है कैसे घटित हो जाती है? इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट उनको मिले हैं उसकी जांच करेंगे और इस संबंध कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग TV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग TV को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।